स्वागत है एक बार फिर से आप सभी व्यूअर्स का। आज के इस वीडियो में हम लोग MCS 024 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजीज एंड जावा प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन नंबर 1G को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपका है राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू कन्वर्ट द स्ट्रिंग इग्नू। यानी कि आपको एक स्ट्रिंग लेनी होगी इग्नू, जो कि अपर केस में होगी, उसको आपको लोअर केस में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो आपका प्रोग्राम क्या कह रहा है, राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू कन्वर्ट द स्ट्रिंग इग्नू इन लोअर केस, इसको आपको लोअर केस में कन्वर्ट करना होगा, दैट इज इग्नू दिया है। ठीक है, गिव सूटेबल कमेंट्स इन योर कोड टू इंक्रीज द रीडेबिलिटी, है ना, आपको जगह जगह पर आप कमेंट दे सकते हैं ताकि आपका जो कोड है उसको रीडेबल बनाया जा सके, है ना, कि समझा जा सके आसानी से रीडेबिलिटी के लिए। तो चलिए देखते हैं कि कैसे बनेगा प्रोग्राम, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो जैसा कि आपको क्वेश्चन दिया गया था कि राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू कन्वर्ट द स्ट्रिंग इग्नू इन लोअर केस, है ना, यानी कि आपको कैपिटल में लिखना है और लोअर में कन्वर्ट कराना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, एक पहली लाइन में आपको एक कमेंट्स में मैसेज दे दिया कि आपको करना क्या है। ठीक है, तो आप प्रोग्राम को देखते ही समझ जाएंगे कि आपका प्रोग्राम क्या करने वाला है। ठीक है, फिर हमने जैसा कि हमें मालूम है कि कोई भी प्रोग्राम लिखने से पहले हमें क्लास डिक्लेयर करनी पड़ती है, तो हमने यहाँ पर क्लास डिफाइन कर दी, पब्लिक क्लास अपर टू लोअर, UPR टू लोअर, है ना, क्योंकि हमने अपर केस से लोअर केस में करना था, इसलिए हमने इसका क्लास का नाम भी अपर टू लोअर रख दिया। आप कुछ भी रख सकते हैं। फिर जैसा कि आपको पता है कि प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन होता है वो मेन से स्टार्ट होता है, तो आपने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन फंक्शन बना लिया। ठीक है, ठीक है, फिर आपको जैसा कि बोला गया था क्वेश्चन में कि आपको एक स्ट्रिंग लेनी है ना, इग्नू टाइप की कैपिटल में, ठीक है, तो वो हमने इग्नू एक इनिशियलाइज कर ली। ठीक है, अच्छा, फिर हमने यहाँ पे क्या किया, लेंथ फंक्शन का यूज़ कर लिया जो आपको स्ट्रिंग की लेंथ बताएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक हमने कमेंट्स में मैसेज भी दे दिया, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, फिर हमने क्या करा कि हमारी जो स्ट्रिंग है उसको हमने ओरिजिनल स्ट्रिंग को प्रिंट भी करा लिया। ठीक है, अच्छा, फिर यहाँ से हमारा प्रोसेस स्टार्ट होता है। फिर हमने एक मैसेज दे दिया कि अगर हमारी जो लोअर केस में हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, है ना। फिर हमने फॉर लूप चलाया जो क्या करेगा कि जो भी हमने स्ट्रिंग ली है उसके एक एक कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अच्छा, फिर कब तक चलेगा, जब तक उसकी लेंथ हो जाएगी लेस देन लेंथ। ठीक है, जो भी लेंथ होगी उससे माइनस वन चलेगा, क्योंकि जीरो से स्टार्टिंग होती है। अच्छा, फिर यहाँ पर मेन है कि आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको जो भी स्ट्रिंग का एक कैरेक्टर, यहाँ पर आपने कैर एट आई फंक्शन का यूज़ किया है जो क्या करेगा, स्ट्रिंग के एक एक कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट करेगा। ठीक है, आई की जैसी वैल्यू पहले जीरो होगी तो पहले कैपिटल आई को एक्सट्रैक्ट करेगा, फिर जी को एक्सट्रैक्ट करेगा, फिर एन को एक्सट्रैक्ट करेगा, फिर ओ को एक्सट्रैक्ट करेगा, फिर यू को एक्सट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो कैपिटल ABCD होती है उसकी स्काई वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है, 65 से 90, है ना, और जो स्मॉल ABCD की स्काई वैल्यू होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, 97 से 122। जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं जो कि कैपिटल में होते हैं उनकी, और जो स्मॉल केस में होते हैं उनमें जो डिफरेंस होता है वो कितना का होता है, 32 का। ठीक है, तो हमने क्या करा कि हमें क्योंकि अपर केस से लोअर केस में करना है, यानी कि अगर मान लो हमारी ए इनपुट करा होता यूज़र ने तो हमें स्मॉल ए बनाना होता, यानी कि हमें उसमें 32 को ऐड करना होता, तो वही काम हमने यहाँ पर किया। जो भी एक कैरेक्टर आए, ठीक है, जो भी एक कैरेक्टर आए उसको क्या करे, उसमें वो 32 को ऐड कर दे। ठीक है, अब 32 को ऐड कर देंगे वो तो उसकी स्काई वैल्यू को ऐड करा देगा। ठीक है, तो हमें उसको मैनुअली कन्वर्ट कराना पड़ेगा कैर में। ठीक है, तो ब्रैकेट का बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा, तो ये क्या करेगा कि आपकी जो कन्वर्ट कर देगा लोअर केस में, ठीक है, उसकी स्काई वैल्यू का यूज़ करके, एक मैसेज भी हमने कमेंट्स में दे दिया। अच्छा, फिर नेक्स्ट लाइन पे ले आए इसको। अच्छा, यही सारा काम आप स्ट्रिंग का एक फंक्शन होता है टू लोअर केस, इससे भी कर सकते हैं, है ना। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देख लेते हैं इसका इम्प्लीमेंटेशन हम लोग जावा में कैसे करेंगे। तो देखिए, जैसा कि हमने वो कोड यहाँ पर कॉपी कर रखा है, अब इसको हम लोग रन करा के देखते हैं कि आखिर आपका आउटपुट क्या आता है। तो कंट्रोल के से हमने कंपाइल कर लिया, आप नोटपैड भी बना सकते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट पर रन करा सकते हैं। तो देखिए, ओरिजिनल स्ट्रिंग इन अपर केस क्या थी हमारी, इग्नू, और लोअर केस में हमारी जो स्ट्रिंग आ गई वो क्या आ गई, इग्नू। ठीक है, और लास्ट में हम लोगों ने टू अपर केस का यूज़ करके इग्नू प्रिंट कराया है, इसलिए वो यहाँ पर इग्नू साथ ही साथ प्रिंट कर रहा है। इसको हम सही कर लेते हैं।
आप इसको रन करा लेते हैं। तो देखिए अब इसको रन कराने पे ये आ गया, ठीक है। इस ओरिजिनल स्ट्रिंग आपकी इन अपर केस में क्या थी, इग्नू हो गई, और स्ट्रिंग आपने लोअर केस में मैनुअली कन्वर्ट कैसे करी, वो आपकी ये हो गई, और ये आपने टू लोअर केस का यूज़ करके इग्नू को प्रिंट करा लिया, है ना। तो आप कोई भी फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।